गुड आफ्टरनून संतोष विदुषी। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? गुड आफ्टरनून अनुराग अरुण। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? एडवेयर बता दिया गया अनुराग, सब बताना है। स्पाइवेयर लिखवा दिया गया था आपको, स्पाइवेयर के बारे में कम्प्लीटली बता दिया गया था। अच्छा, रैंसमवेयर बता रहे थे। ओके, ठीक कुछ लिखवाया गया था कि नहीं? रैंसमवेयर में कुछ लिखवाया गया था? नो यस, नो यस, क्या हो रहा है? अच्छा, नहीं लिखवाया गया था। ओके, चलिए देखिए। चलिए हमने आपको बताया था यहाँ पे किसके बारे में, रैंसमवेयर के बारे में ना। तो देखिए यहाँ पे रैंसमवेयर क्या होता है। स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? थोड़ी डिफरेंट है आज, ठीक है? ब्लैक से वाइट हो गई है। तो वहाँ, यहाँ बात करते हैं रैंसमवेयर की। ओके, चलिए तो यहाँ लिखिएगा रैंसमवेयर। आपने समझ लिया था रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर गुड आफ्टरनून सचिन। आप सभी को पता ही है, ठीक है? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। क्यों? कुछ चेंजेस करने चाहिए। अच्छा, व्हाइट से ब्लैक हो गया। जी, हमने उल्टा बोल दिया था क्या? जी, रितेश। नहीं, ये नोटपैड प्लस प्लस तो नहीं है। ओके, नहीं, नोटपैड प्लस प्लस नहीं है। जी, आकांक्षा। देखिए, रैंसमवेयर टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट योर कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स इन अनरीडेबल फॉर्मेट, फॉर्मेट इनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी अदर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, इनक्रिप्ट मींस चेंज इन अनदर फॉर्म, चेंज इन अनदर फॉर्म। जी, आज के टॉपिक की फर्स्ट, आज के क्लास की फर्स्ट टॉपिक ही है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके जो सिस्टम या कंप्यूटर की फाइल होती है, जो कंप्यूटर की फाइल होती है, फाइल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, आपका रिज्यूमे हो गया, ठीक है, आपकी इमेज हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब क्या है आपके फाइल्स हैं, कंप्यूटर की फाइल्स हैं। इन सारे फाइल्स को क्या कर देता है, अनरीडेबल फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है।
अनरीडेबल का मतलब होता है जिसे आप रीड ना कर पाए, जिसे आप समझ ना पाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है जिसे आप समझ ना पाए, नॉट अंडरस्टैंड, मैं चली दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके पास वो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा मेलवेयर क्या कहलाता है आपका, रैंसम वेयर। अब जैसे बात यहां पे आती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके ज्यादातर ये इंटरनेट से आते हैं, ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं। और जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं आपका ये लैपटॉप था, ये कंप्यूटर था, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हो, ये आपका कंप्यूटर था, ठीक है, यहाँ पे, और आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे से आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट है, इसको आप एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेस कर रहे हो अपने कंप्यूटर के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, अब ये देखिए अगर कंप्यूटर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो ये जो इंटरनेट होता है पब्लिक होता है, ये क्या होता है, पब्लिक होता है, आप सभी को पता है ये पब्लिक होता है, पब्लिक का मतलब कोई भी यूज कर रहा कर कर सकता है यहाँ पे, कोई भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर होते हैं, डिफरेंट यूजर होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नॉर्मल यूजर भी होते हैं, नॉर्मल का मतलब जैसे हम जैसे लोग भी होते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, हैकर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरनेट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट पे हो तो सिंपल सी बात है, इसलिए बोला जाता है अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपके पास कोई भी बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हाँ जब तक आप अलाउ नहीं करते हैं किसी चीज को तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता, अगर आप एक्सेस अलाउ करेंगे तभी वो कर पाएगा, ऐसा नहीं कि वो अपने आप कर लेगा, ठीक है, कोई ना कोई गलती आपसे वो जरूर करवाएगा जिसे आप करना चाहेंगे, जो आप करेंगे गलती तभी जाके वो आपके सिस्टम को कंट्रोल में ले सकता है, जब तक आप सिक्योर रहेंगे अपने सिस्टम के प्रति तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इंटरनेट से क्या होता है, मेनली मान लेते हैं किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में एक मेलवेयर आ गया जिसका नाम क्या है, रैंसम वेयर, जिसका नाम क्या है, रैंसम वेयर, मान लेते हैं ये आ गया, अब ये रैंसम वेयर आ गया आपके सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में यहाँ पे देखिए क्या होगी, मेमोरी होगी, ठीक है, और मेमोरी में आपकी मान लेते हैं क्या रखी, सारी फाइल्स रखी गई है, ठीक है, इमेज वगैरह सारी फाइल्स यहाँ पे रखी गई है, वीडियो अगर रखे गए हैं, तो ये क्या होगा कि सारी की सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करने का मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब आपका जो भी डेटा होगा, हो सकता है, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे आपका रिज्यूमे था, मान लेते हैं क्या था आपका रिज्यूमे यहाँ पे था, जैसे ये मैंने ले लिया, यहाँ पे रिज्यूमे था आपका, ठीक है, तो आपका रिज्यूमे जो था वो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे मान लेते क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, डॉलर, हैज, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या है, मेरा रिज्यूमे है कि, क्योंकि आप इस दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मेलवेयर्स होते हैं, जो आपकी सिंपल सी फाइल, जो भी ऑडियो वीडियो फाइल होती है, उसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, रैंसम वेयर कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये अक्सर क्या होता है, कई सारी वजह से आपके पास भेजे जाते हैं, जो क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उनकी भी कोई ना कोई क्या होती है, वजह होती है इनको क्या करने की, बनाने की। तो वजह क्या हो सकती है, जैसे कोई क्या करना चाहता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, ठीक है, टारगेट करने का मतलब होता है कि आपसे कुछ अमाउंट चाहता है, कुछ मनी चाहता है, ठीक है, तो भी ये रैंसमवेयर के थ्रू आपको टारगेट कर सकता है, या तो किसी कोई कंपनी है, अब कंपनी के डेटा को लॉस करना चाहता है तो भी क्या करता है वो, रैंसमवेयर के थ्रू उसको टारगेट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये बताइए, ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक हो गया सभी का, ओके, रविंद्र क्या हुआ,
ये आता कैसे है? इंटरनेट से आता है, इंटरनेट चलाते हो तो वहीं से आ सकता है। अगर आपके सिस्टम में टोटल सिक्योरिटी होगी, एंटीवायरस होगा तो नहीं आएगा। और जब आपके सिस्टम कोई टारगेट करेगा तभी आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि जो आपके ट्रोजन्स होते हैं वो अक्सर आते रहते हैं, रैंसमवेयर इतने आसानी से नहीं आता, जो कोई टारगेट करे तभी आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसको अक्सर मेनली दो तीन वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कोई आपको टारगेट करना चाहता है, कोई पर्सन है आपको टारगेट करना चाहता है, किसके लिए मान लेते हैं, उसको क्या करना है, वांट टू मनी, ठीक है। तो अब बताइए, ध्यान रखिएगा कि आपका पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, आपके मैंने बताया था इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा ये, आपके पास किसी ना किसी तरीके से जो वो तो कोई ना कोई क्या करेगा, फाइल सेंड करेगा, कंफर्मेशन करवाएगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आप अगर किसी तरीके से अलाउ करते हो, अगर आप किसी तरीके से क्या करते हो, अलाउ करते हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती नहीं करते हो किसी भी टाइप की, ठीक है, तो आपके सिस्टम को एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी टाइप गलती नहीं करते हो तो आपके सिस्टम को एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। अब जैसे आपने इस आपने अलाउ कर दिया, आपने कुछ और समझ के अलाउ कर दिया, ठीक है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपके सिस्टम में ये रैंसम वेयर आएगा, कौन आएगा, रैंसम वेयर, तो आप सभी को पता है इतना तो आप समझ चुके हो कि आपकी सारी फाइल क्या हो जाएगी, इनक्रिप्ट हो जाएंगी। अब फिर ये जो बंदा होगा, ये जो बंदा जिसने आप भेजा होगा, तो चेक करेगा अपने सर्वर से, चेक करेगा मतलब अपने कंप्यूटर से चेक करेगा कि यार कौन कौन से लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, मतलब जो मेरे रैंसमवेयर का शिकार हो चुके हैं, मतलब जिनकी फाइल मेरा रैंसमवेयर, मेरा वायरस क्या कर चुका है, इनक्रिप्ट कर चुका है, ठीक है। कोई आप बिना आल अलाउ किए, अरमान सर, कोई आप बिना नहीं, नहीं, जब तक देखो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जब तक आप अलाउ नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके सिस्टम में वायरस की एंट्री इतनी आसान नहीं है, ध्यान रखना। और मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे आप अलाउ करते हो, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, तो ये रैंसमवेयर जैसे आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा कि सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन आता है, अरे आपके पास जैसे ही आएगा, आपकी जब सारी फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी, जब सारी फाइल क्या हो जाएंगी, आपकी इनक्रिप्ट हो जाएंगी, मतलब चेंज हो जाएंगी, तो उस उसी पे क्या होगा, एक आपके पास विंडो आती रहेगी जिसमें कुछ अमाउंट पे करने के बोलेगा, कहेगा कि डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि मैं आपकी फाइल को एज इट इज बना दूंगा, जैसे आपकी फाइल थी, ठीक है, अब तो इनक्रिप्ट हो चुकी है, उस पर मैसेज आएगा कि डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब अपनी ओरिजिनल डेटा को लेने के लिए, अचीव करने के लिए आप क्या करो, ये की हम आपको एक की देगा, की का मतलब आपको एक कोड देगा, क्या देगा, आपको एक कोड देगा, और उस कोड के थ्रू आपकी सारी फाइल क्या हो जाएगी, फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, वो क्या करेगा आपसे, कुछ पे मतलब कुछ अमाउंट मांगेगा, पे करना होगा, तो पे का जैसे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वो की मिलेगी, और जैसे आप वो की क्या करेंगे यहाँ पे इनक्रिप्ट करेंगे, अपने आप आपकी सारी फाइल क्या हो जाएगी, डिक्रिप्ट हो जाएगी। मेनली क्या होता है, मैंने बताया ना कि अगर कोई पर्सन है आपको टारगेट कर कुछ मनी लेना चाहता है आपसे, किसी भी तरीके, एक सिंपल सा ये बोल सकते हो आप, तो आपके साथ ये वर्क कर सकता है, ठीक है। या तो कोई पर्सन है टारगेट करेगा किसी, मान लो उसके पास कोई कंपनी है, उसके पास कोई क्या है, कंपनी है, ठीक है, और वो अपने इसके जो कंपटीटर्स हैं, जो अदर कंपनीज हैं, जो अदर कंपटीटर्स हैं, उसको अगर आपको क्या करना चाहेगा वो, मतलब ये तो गलत है, ठीक है, बट अगर किसी भी तरीके से अगर क्या उसको क्या करना चाहेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, तब भी उसके पास रैंसमवेयर भेज सकता है, उसके थ्रू भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी स्मार्ट है, ठीक है, अदर कंपनी कितनी स्मार्ट है, अगर स्मार्ट होगी सिंपल सी बात है वो ऐसी गलती नहीं करेगी, तो नहीं होगा, बट एक चांसेज है कि कर सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको डेटा को लॉस करने की, और रैंसमवेयर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं आपके कंप्यूटर में, फाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू,
या सॉफ्टवेयर के थ्रू कई सारे तरीके होते हैं, तो समझ में आया रैंसमवेयर क्या होता है? अब एक मैं छोटा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? देखिए इंस्ट्रक्शन ये है, क्योंकि मैं अलाव की बात किया हूँ, तो आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, ऐप जब कोई आप ऐप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, जी सचिन नॉर्मली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो ये डिफरेंस समझो कि रैंसमवेयर एडवेयर इस नाम से जानो ज़्यादा बेटर होगा। ये बताओ ऐप, मोबाइल में ऐप सभी लोग इंस्टॉल करना तो जानते ही हो ना, कुछ लोग पूछते रहते हैं सर ऐप कैसे इंस्टॉल होगा। नहीं, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है रविंद्र, सभी को, क्योंकि फोन में तो हमें इंस्टॉल करना सभी को पता होगा आपने, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ किया होगा आपने। देखिए अब याद करिएगा, जब आप ऐप को ओपन करते हैं, जब आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, अच्छा ये बता दें सचिन, प्ले स्टोर है आपके फोन में? प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे सर्च नाम का ऑप्शन आएगा, कुछ ऐसा सिंबल बना होगा, ये सर्च नाम का ऑप्शन होगा, बेसिक से बेसिक्स, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना, वहां पे सर्च नाम का ऑप्शन होगा, उसमें डालना जो भी है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आप क्या करो, कोई भी कन्वर्टर, चलो ठीक है, या फिर फेसबुक ही इंस्टॉल करना आपको, तो आपने क्या डाला वहां पे, क्या सर्च किया, फेसबुक, और जैसे ही सर्च करो फेसबुक, तो फेसबुक आ जाएगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आइकन आ जाएगा फेसबुक का, ठीक है, और फेसबुक का आइकन आने के बाद प्ले स्टोर कहाँ, सिस्टम में नहीं, मैं कह रहा हूँ मोबाइल में, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे किसी दूसरे दिन बता दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर पे करके बता दूंगा ना आपको, वहां प्ले स्टोर नहीं होता, तो मोबाइल से कर लोगे ना सचिन? ओके, तो नैशा तुम सिस्टम समझ रहे थे, ओके चलो छोड़िए, हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमने कहा आपको ऐप करके क्या इंस्टॉल करके क्या करना, ओपन कर, जैसे आप ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद अगर मान लेते हैं, अच्छा आपसे ये बताइए, ओके ओपन करने के बाद ये बताइए, बहुत सारे आपके पास क्या आते हैं विंडो, छोटे छोटे आपके पास क्या आते हैं, नोटिफिकेशन टाइप की चीजें आती हैं कि आपको अलाउ करना होता है, क्या करना होता है, अलाउ करना होता है, जी, अलाउ करोगे तो अलाउ में क्या क्या पूछता है, कभी कभी अलाउ में वही परमिशन, ठीक है, अलाउ करने के पूछता है आपकी क्या गैलरी, ठीक है, वीडियो ऑडियो मतलब रिकॉर्डर, वही माइक्रोफोन वगैरह, ये सब एक्सेस करने की परमिशन पूछता है आपसे, क्या मैं वो ऐप आपसे ये सब एक्सेस करने की परमिशन पूछता है, क्या मैं आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी वीडियो एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं आपके ऑडियो एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे मान लेते हैं और कोई फाइल्स हैं आपकी, ठीक है, तो क्या मैं कैमरा है, क्या मैं कैमरे को एक्सेस कर सकता हूँ, ये सब पूछता है एक एक करके आपसे, किसी किसी में 3 पूछेगा, किसी में 5 पूछेगा, तो 5 बार आता रहता है, तो अक्सर कुछ लोग बिना देखे क्या करते हो, अलाउ करते हो, ठीक है, क्या करते हो, अलाउ करते हो, तो ये काम तो कभी मत किया करो, ठीक है, ये काम कभी मत किया करो, तो बिना देखे अलाउ मत किया करो, ठीक है, ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं सभी को? हमने बोला जो हमने लोग छोटी छोटी गलती करते हैं वो क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी ओके करते चले जाते हैं, ओके मत किया करो, पहले चेक कर लिया करो, अलाउ डेनी वहां पे कर, एक ऑप्शन अलाउ आता है, एक डेनी आता है, डेनी का मतलब रोकना होता है, तो आप उसको रोक दो, ठीक है, अलाउ मत करो, लोकेशन की कभी की बात आती है, क्या करो, लोकेशन भी क्या करना होता है आपको,
अलाउ करने की बात आती है। ठीक, अब ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि ये तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं, गैलरी, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट, कैमरा, लोकेशन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मुझे ट्रू कॉलर सब लोग जानते हो, क्योंकि मैं ऐसा ऐप ले रहा हूं जिसे सभी लोग जानो, ट्रू कॉलर सभी लोग जानते हो ना। ठीक है, अब बताओ ट्रू कॉलर अगर आपको इंस्टॉल करना है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना है तो नोटिफिकेशन क्या आएगा मान लेते हैं गैलरी का, तो बताइए ट्रू कॉलर में, हाँ ट्रू कॉलर में ये बताओ, जब आपने इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम, बहुत लोग के फोन में है, ठीक ओके सही है, तो आपने इंस्टॉल किया था तो आपके सामने जब पूछेगा, ठीक है, गैलरी के लिए आप जब आपके नोटिफिकेशन आएगा एक्सेस गैलरी का, तो बताइए आपको वहां पे ओके करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्रू कॉलर में किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे आपकी इमेज की जरूरत है, लेकिन आप लोग जो नहीं जानते आप लोग कर देते हो वहां पे, ठीक है आप लोग कर देते हो, इसलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप वो तो आप ट्रू कॉलर जिसने बनाया होगा, जिसने ट्रू कॉलर बनाया होगा ध्यान रखिएगा, वो आपकी गैलरी को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, अगर वो चाहे तो ट्रू कॉलर जिसने बनाया होगा आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक, इसलिए आप लोग जब गैलरी वाला ऑप्शन आएगा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, डिनाई कर देंगे, ठीक है डिनाई करके आगे बढ़ जाएंगे आप, फिर मान लो पूछा आपसे वीडियो, फिर आप डिनाई करेंगे, क्या अलाउ नहीं क्या करेंगे आप, डिनाई करके आगे बढ़ेंगे, फिर पूछेगा ऑडियो, फिर आप डिनाई करो, पूछेगा कॉन्टैक्ट यस, इसे क्या करना आपको अलाउ करना है, इसे क्या करना आपको अलाउ करना है, ध्यान रखना, तो इसे अलाउ करना किसको, कॉन्टैक्ट को, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा लोकेशन, लोकेशन कर, कैमरे कोई जरूरत नहीं है, कैमरे को क्या करना है अलाउ नहीं करना है, पूछेगा लोकेशन, अब लोकेशन अलाउ कर दो, ठीक है, जिससे कि आपको आपका फोन कहाँ है तभी तो कोई दूसरा सर्च कर पाएगा जो सर्च करेगा आपके फोन को, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकेशन, मैं लोकेशन और कॉन्टैक्ट क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट है ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है कॉन्टैक्ट है, तो लोकेशन और कैमरे को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी चीजें हैं, बट आप ये सोचो कि जिसने ट्रू कॉलर बनाया होगा अगर वो चाहे, फिलहाल ऐसा बहुत लोगों का होता है इसलिए उतना ध्यान नहीं देगा आपके डेटा पे, बट अगर वो चाहे तो आपका वीडियो, आपका ऑडियो, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है अपने सर्वर से, अपने कंप्यूटर से, अगर आपने अलाउ किया होगा तो, और उसकी कोई भी उस पर कोई केस, कोई उसकी गलती नहीं होती क्योंकि आपने अलाउ किया है, भैया आप मेरी गैलरी देख सकते हो, ये उसने पूछा था क्या मैं आपकी गैलरी एक्सेस कर सकता हूँ, आपने कहा था हाँ, तो बताइए कोई कुछ आप क्लेम कोई कर सकते हो ट्रू कॉलर के ऊपर, बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने तो ये अलाउ किया था गैलरी वीडियो ऑडियो देखने का। तो ऐसे ही एक मोबाइल में जब भी कोई ऐप आप क्या किया करो, इंस्टॉल किया करो, ठीक है, तो पहले जिस टाइप का ऐप हो उस टाइप के ही डेटा को आप क्या अलाउ किया करो, सबको नहीं। अब फोटो एडिटर है, अगर वो फोटो एडिटर है हाँ वो कर सकता है, अगर मैंने बताया कि ना अगर वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेन बात ये होती है कि यार इतने फोन्स हैं, इतने लोग हैं तो उसको इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जैसे कोई पर्टिकुलर बंदा हो गया, ठीक है मान लो किसको मिल गया, उसको अंबानी का फोन मिल गया, तब तो क्या करेगा, चेक करेगा देख कौन कौन सी वीडियो, कौन कौन सी क्या है आपके पास, वहां पे फोटोज है, हो सकता है वो चेक करे, कोई ऐसा बंदा हो जो पॉपुलर हो ना, मतलब समझ गए होगे मेरी बात कि आपका डेटा लेके क्या करेगा, हाँ अमेजॉन का सीईओ जेफ बजाज, ठीक है सुंदर पिचाई, ऐसे लोगों का कॉन्टेक्ट को कोई एक्सेस करेगा तो करना चाहेगा, वो ऐसे उन लोगों का एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, इतनी सिक्योरिटी होती है, मैं बात एक बोल रहा हूँ, अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो वो चाहेगा देखना। तो ओवरऑल अगर मैं कह रहा फोटो एडिटर है, अगर फोटो एडिटर है इस नाम का को कोई सॉफ्टवेयर आपने प्ले स्टोर से क्या किया डाउनलोड किया, तो आप किसको अलाउ करोगे, गैलरी को करो आप अलाउ, ठीक है, और किसी की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो मेरा कहने मतलब सबको देख देख के अलाउ करो, ठीक है पढ़ पढ़ के फिर आगे बढ़ो, ऐसे ओके करने करते मत जाना, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को कि नहीं, ये एक छोटी सी सिक्योरिटी का सिस्टम था कि आपको ऐसे करना है फोन के लिए।
और एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पे है, ध्यान देना। ये टॉपिक यहाँ पे कुछ और लिखा गया, ठीक है? आपका टॉपिक यहाँ पे था रैंसम वेयर, ये डिपेंडेंसी नहीं है, ध्यान देना। मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ से, तो ये चीज़ें याद रखना, ये नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, जैसे मैं अरमान एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? वो तो खुद ही इतनी सिक्योरिटी लगा के बैठा हो, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। चलिए देखिए, एक मैं एक छोटा सा और आपको, जैसे आपका फोन है, ठीक है, खास करके क्रोम की बात कर रहा हूँ, जब आप क्रोम से कुछ चला रहे होते हो, कोई पेज ओपन कर रहे हो, तो वेब पेज जानते हो ना सभी लोग, कोई कंप्यूटर पर कोई पेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। कोई वेब पेज ओपन कर रहे हो, सचिन वन से स्टार्ट होने वाला था, मैं आज क्लियर करता हूँ सर से, ठीक है? वन से मैंने बताया था ना आपसे स्टार्ट होगा, आज सर से मैं क्लियर करता हूँ। ऐसे मैसेज कोई जाएगा आप लोगों के पास न्यू बैच के लिए, मतलब कल कल से वेब पेज अगर आप ओपन करते हो, तो जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो, उससे वेबसाइट चलाते ही हो आप यहाँ पे, ठीक है? वेब पेज या वेबसाइट आप समझ ही रहे हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हो या वेब पेज ओपन करते हो, तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, वेबसाइट जो ओपन होती है नोटिफिकेशन आता है। वो लोग नोटिफिकेशन देना चाहते हैं आपके सिस्टम पे बार बार, तो वहां भी एक आता है ब्लॉक करने का, जब आप चलाएंगे ढेर सारी वेबसाइट ओपन करेंगे, एक आता है अलाउ करने का। तो आप ट्राई किया करिए हमेशा ब्लॉक कर दिया करिए, नहीं तो नोटिफिकेशन से ही आपके आपकी मेमोरी क्या होती है, फुल होती जाती है, ठीक है? तो आप क्या करोगे वहां पे, ब्लॉक कर दिया करो कभी अलाउ। जैसे आपके पास कोई, आप पढ़ रहे हो स्टडी मटेरियल, कोई स्टडी वेबसाइट है, स्टडी की वेबसाइट है, आपको जरूरत है हर चीज की, तो आप अलाउ करो, नहीं तो ज्यादातर क्या किया करो, ब्लॉक कर दिया करो। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो आपकी मेमोरी में क्या करते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं, और इस वजह से आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो ये जो दो चीजें, इसको आप ध्यान से ध्यान रखिएगा इन पे। एक तो ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अलाउ करना है कि डिनाई करना है, ठीक है? और दूसरा, यहाँ पे जब कोई वेबसाइट आप चला रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो कहीं से कुछ, और उस पर नोटिफिकेशन आता है ब्लॉक करने का, अलाउ करने, तो ब्लॉक कर दिया करो, मोस्टली ब्लॉक कर दिया करो। ये सब आपके सामने अगर नहीं आया, ज्यादा आया हो तब आएगा, ठीक है? चलिए लास्ट आपका है एडवेयर, तो आगे हम बढ़ते हैं एडवेयर की तरफ। देखिए एडवेयर, नाम से लग रहा होगा, जो आपके फोन पे या वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? एडवर्टीजमेंट, ठीक है? लेकिन वो एडवर्टीजमेंट कभी कभी तो सही होते हैं, और कभी कभी मैंने आपसे बताया था जो आपका क्या था, ट्रोजन्स था, उस टाइप का भी मैटर होता है, कि जैसे आप एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हो, आपको कहीं और पहुंचा देता है, आपको एक्चुअल में उस जगह नहीं पहुंचाता जहां के लिए आप क्लिक किए होते हो, तो वो अपनी किसी अनऑथराइज वेबसाइट पर पहुंचा देता है, जहां से आप, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आप उसको क्लिक कर देते हो, तो क्लिक करने के बाद सारे ढेर सारे नोटिफिकेशन आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके सिस्टम के लिए वो भी सही नहीं है, कंप्यूटर के लिए सही नहीं है। तो एडवेयर पर ध्यान रखना, ये भी एक टाइप का क्या है, मेलवेयर है, जो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में आता है और आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें लिख लेना एक लाइन यहाँ पे, ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, इट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट
अपीयर्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब मेलवेयर है तो सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने आपसे ये बोला कि चलिए ये आपका फोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप कोई वेबसाइट ओपन की हो, इस पे आपने क्या किया, कोई वेबसाइट ओपन किया हुआ है, तो आप देखते रहते हो कि कहीं कहीं जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड आ रहे होते हैं, ये ऐड आ रहे हैं, ईडी नाम से वहां लिखा भी होता है छोटा छोटा, ईडी ईडी जितने भी ईडी, कहीं बीच में आ रहा है पता लगा कोई क्या आ रहा है, बीच में आपको ऐड आ रहा है, टेक्स्ट पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ क्या आ रहा है आपका ऐड आ रहा है, तो ये जो ऐड होते हैं ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं आपके एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कभी सही नहीं होते हैं, आपके सही भी होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई सूज दिखा रहा है, मतलब अक्सर सूज दिखा रहा है कोई, जैसे मैंने आपसे कहा, सॉरी जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे सूज दिखा रहा है कोई, अब सूज में आपको कौन क्या दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखा रहा है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कहाँ लेके जाएगा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मतलब ये क्या है एड वैलिड है, लेकिन मोस्टली क्या होता है अगर आप जो क्लिक करते हो उस पर, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है मान लेते हैं कुछ दिखा रहा है शर्ट दिखा रहा है ठीक है, शॉप क्लूज का इस पे कोई शर्ट दिखा रहा है ठीक है, ये इनको आप हटा नहीं सकते, बल्कि जब आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले लेते हैं ठीक है, पायरेटेड मतलब होता है जो खरीद लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर, आप हर चीज क्योंकि मिलती खरीद लेते हैं, तब जाके आप उनको बैन कर सकते हैं कुछ एड्स को ठीक है, जो इनवैलिड होते हैं, ये सब सिस्टम के ऊपर होगा, ये सब हटा नहीं सकते यहाँ से, ध्यान रखिएगा। जब भी आप चलाएंगे नॉर्मल, जो हम लोगों का लैपटॉप होता है उस पर आता ही रहेगा, जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सब आता ही रहेगा। जब आपके पायरेटेड होते हैं, जो आप खरीदते हो सॉफ्टवेयर विंडोज खरीदते हो उन सब पे जब चलाते हो, तो आपके हर एक जितने भी एडवेयर्स होते हैं सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर जैसे मैंने कहा आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऐड आ रहा था शर्ट शॉपक्लूज पे दिखा रहा था आपको, आपने क्लिक किया, हो सकता है ये आपको ऐसी वेबसाइट पे ले जाए जहाँ जिसका मतलब ही था एक बार क्लिक करवाना ठीक है, क्लिक करवा के उसने अपने पास पहुंचा दिया आपको। अब हो सकता है आपको इसी बहाने क्या नोटिफिकेशन दे, ढेर सारा नोटिफिकेशन दे, जब जब कुछ नोटिफिकेशन दे, तो इससे भी आपके सिस्टम का हैंग होना ठीक है, और साथ ही साथ वर्क ना करना, कभी भी आप देखते हो ऐड पे क्लिक कर देते हो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब है आपका सिस्टम हैंग कर गया वहां पे। तो ये इस टाइप से भी क्या होता है कि आप ये एडवेयर्स आपके सिस्टम के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो लेकिन जो यहाँ पे एड्स आते हैं वो आपको ऐसा दिखेंगे कि एड ही हैं, बट रियल में एड नहीं होते हैं, वो भी क्या होते हैं मेलवेयर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं एडवेयर बोलते हैं। समझ में आई बात, इसीलिए बोला जाता है कि यार आपको अगर कोई चीज परचेज करना है ना, आप सीधे कहाँ जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप अमेजॉन पे जाओ ठीक है, स्नैपडील, आप वहां से जाके क्या करो, कोई कुछ भी परचेज करो, आप किसी ऐड पे क्लिक करके परचेज ना करो, या तो आप उसका क्या दे यूआरएल देख लो, यूआरएल आप सब समझते होंगे नहीं तो बता दिया जाएगा, यूआरएल देखो क्या पूरा सही है कि नहीं सही, अगर इतने आप जानकारी रखते हो तो यूआरएल देख के पता लगाओ सही है कि नहीं सही है, अगर सही है तभी जाके क्लिक करो, नहीं तो क्लिक ना करो, अगर आपको कम जानकारी है तो क्लिक ना करो ठीक है, आप वेबसाइट पे जाकर के क्या करो शॉपिंग करो, यहाँ से क्लिक करके शॉपिंग ना करो, ये सब धीरे धीरे आप क्या करोगे यहाँ पे सीखोगे और अच्छे से सीखोगे, तो अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आपके सामने प्रैक्टिकली होगा तो आपको और बेहतरीन समझ में आएंगी चीजें। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक तो 1 नवंबर से कुछ डेट आई यूसीजी की, सॉरी यूजीसी की, देखिए क्या होता है।